भोपाल से हमें सबसे पहले कॉल किया भावना ने, उनसे हम बात करेंगे। भावना जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार नमस्कार डॉक्टर साहब। जी आदाब। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं से आवाज नहीं निकल रही कि मैं साक्षात भगवान से बात कर रही हूँ। मैं इतने दिनों से आपका इंतजार कर रही थी, काश आपसे फोन बात हो जाए। मत भावना जी, आप थोड़ा जो भगवान को जो लोगों को जिंदगी दे वो एक भगवान ही हुए जी। भावना जी, आप बहुत भावनात्मक बातें कर रही हैं। बताइए मेरे लायक क्या सेवा है, और मैं बहुत मामूली इंसान हूँ लेकिन कोशिश करता हूँ कि किसी नहीं, को मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ। मैं तो सोचती हूँ आप साक्षात भगवान, भगवान को किसी ने नहीं देखा, लेकिन वो ये जो सबका भला करते हैं, आप तो जीवन दान जीवन देते हो, आपके उससे तो लोग ठीक हो जाते हैं, तो आप भी एक भगवान से कम नहीं है मेरे लिए। तो भावना जी, आप अपने आप को संभालिए, आप इतना गला भरकर बात कर रही हैं। आप हमारे हकीम साहब तो इतना भावनाओं में खुद बह जाते हैं कि वो खुद भी जो है उनकी आंखें भर आती हैं, और आप जैसे जो दर्शक हैं हमारे, जो इतना प्यार देते हैं हमारे हकीम साहब को, उनके लिए तो हम तह दिल से धन्यवाद करते हैं कि इस मंच के जरिए आप लोगों को इतना फायदा होता है। मैं भी रोज प्रोग्राम देखती हूँ लेकिन फोन नहीं लग पाता है। मैं तो सारे वो भी यूज करती हूँ, उनके जो बताए हुए नुस्खे, वो भी मेरे को भी तो फायदा पड़ता है। आज कुछ पूछना लेकिन चाहती हैं मेरे भावना जी? बेटे की प्रॉब्लम ऐसी है कि उसने 2-3 साल कॉलेज में किसी दोस्तों के चक्कर में कुछ ड्रग्स था या कुछ था ले लिया जी। ले लिया तो वो ने उसकी हालत बहुत उसी समय खराब हुई थी बहुत जी। वो ऐसी हालत हो गई थी कि उनके दोस्ती घर में वो गाड़ी नहीं चला रहे थे, फोर व्हीलर था, अगर दोस्त नहीं होते तो वो एक्सीडेंट भी हो जाता उसका। क्या उम्र है आपके बेटे की? अभी तो 25 साल है जी। जी, और ऐसा कब हुआ था, कितने साल पहले? ये 3 साल हो गए उसको, तो अभी भी तो इसी लत में है? कोई चीज वो कभी नहीं लेते थे, कभी वो बाहर का खाना ही मेरे बच्चों ने खाया, कभी नहीं खाते वो, सब मैं घर में ही बना के देती हूँ। लेकिन पता नहीं अब है बाहर, देखो पढ़ने जाते हैं तो दोस्तों के चक्कर में जबरदस्ती उसने कुछ दे दिया तो उसने ले लिया। अभी क्या हालत है? हालत है? अभी क्या हालत है उनकी? अभी क्या है तो जैसे इसके 2-3 दिन में उसको ऐसे हो जाता है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं बिल्कुल, ऐसे वो ऐसे फील करता है कि जैसे कि मैं हाँ हूँ ही नहीं, ऐसे इरिटेशन हो जाता है, कोई बात करता है गुस्सा करने लगता है और बोलता है मम्मी मैं बहुत परेशान हो गया हूँ अपने शरीर से। अब ऐसे मैंने दिल्ली तक दिखा दिया डॉक्टर को, वो बोलते हैं एंजाइटी है, एक दो गोली दे देते हैं बस थोड़ी देर के लिए, 1-2 घंटे के लिए होता है फिर नॉर्मल हो जाते हैं। उसके बाद उसने कोई हाथ नहीं लगाया वो दिन जो आज का दिन, और मैंने तो उसको कॉलेज भी छुड़वा दिया प्राइवेट, ये एक लास्ट ईयर रहा हुआ था मैं उससे करवा दिया ठीक है, कभी जाता था कभी नहीं जाता था, लेकिन उसके बाद उसने कुछ नहीं लिया। लेकिन अभी उसकी ऐसी हालत हो जाती तो कभी कभी नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊं कि ये बच्चा ठीक हो जाए। और आप वहाँ हैं, मैं तकलीफ़ समझ सकता हूँ आपकी, और आज घर घर की यही परेशानी है कि कुछ बुरी संगत के बच्चों में, और हमारी भी थोड़ी गफलत हो जाती है कि हम बच्चे बिल्कुल ऐसे नादान होते हैं कि उन पर एक उम्र तक नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। हर शख्स, मैं भी आप भी, हम यही सोचते हैं कि हमारा बच्चा बहुत भोला भाला है, लेकिन ऐसा हमारे ही बच्चे कहीं ना कहीं बिगड़ जाते हैं। तो वो उम्र जहाँ बिगड़ने की उम्र है, उन पर बड़ी सख्त नज़र रखना वालदेन का काम है, माँ बाप का काम है। एक नुस्खा मैं बता रहा हूँ, उस बच्चे को आप अपने हाथ से बना कर दीजिए, और मुझे उम्मीद है कि वो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होगा और आपकी हर उम्र में आखिरी उम्र तक आपकी सेवा करेगा। और मैं मामूली इंसान हूँ, आपने मुझे इतनी बड़ी उपाधि दी और इससे घमंड आता है, और बस मेरा काम है कि जब तक जीऊँ आप लोगों की खिदमत करता रहूँ। देखिए, मुरब्बा आप जानते होंगे, मुरब्बे आते हैं हर चीज़ के, आंवले का मुरब्बा और सेब का मुरब्बा और हरड़ का मुरब्बा, ये तीनों मुरब्बे आप लिख लीजिए, सेब का मुरब्बा, आंवले का मुरब्बा और हरड़ का मुरब्बा, इनके मुरब्बे लीजिए और इन्हें पीसिए, जिस तरह से भी आप पीस सकें, इनके बीज निकाल कर इन्हें पीस लीजिए, और ये पाव पाव किलो लीजिए आप, या उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन पाव किलो का नुस्खा मैं आपको बताता हूँ कि सब पाव पाव किलो लीजिए,
और इसमें आपको ये पीस कर आपको धनिया धनिया आप जानती हैं, लेकिन एक चीज़ आती है मग़ धनिया, यानी धनिया के अंदर जो एक बारीक सी एक लेयर होती है और छिलका हट जाता है और वो निकाली जाती है। धनिया को भी आप ऐसे कूट के उसको छान के और साफ़ करके वो निकाल सकती हैं। तो इसमें 1/2 किलो धनिया की मींग, धनिया की मींग आसान जबान में कहते हैं मग़ हम लोग कहते हैं, धनिया की मींग निकाल लीजिए और इसमें सब में पीस दीजिए। ये तकरीबन 1 किलो हो जाएगा। इसमें आप 10 ग्राम छोटी इलायची, जो हरी इलायची जिसको कहते हैं वो छोटी इलायची कहलाती है, इसके बीज निकाल कर और इसमें मिक्स कर दीजिए और ये एक दवा तैयार हो गई। चाहें तो इसमें आप थोड़ा सा शहद मिला सकते हैं ताकि ये चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ऐसा 1/2 लीटर के करीब शहद मिला दीजिए। अब इसका 1 चम्मच आपको सुबह निहार मुँह यानी खाली पेट जिसे कहते हैं पानी के साथ इस बच्चे को खिलाइए। 1 चम्मच खाए और पानी पी लें। ज़रूरत पड़ने पर 2 वक्त भी दे सकते हैं, अगर ज़्यादा परेशानी है तो रात को सोते वक्त भी दे सकते हैं, या 1 वक्त भी दे सकते हैं, या तो रात को सोते वक्त या सुबह निहार मुँह। ये अमल अगर आप 2-3 महीने करेंगे तो आपका बच्चा नॉर्मल होना हो सकता है, और जब वो नॉर्मल हो तो मुझे ज़रूर आप खबर करिए। मुझे बहुत खुशी होगी जिस दिन आपका बच्चा आपके इख्तियार में आ जाएगा।